जय हिंद। अगर आप बिरकोवर यूनिवर्सिटी से हैं और आपका एग्ज़ाम 10 दिन में होने वाला है, तो किस प्रकार से तैयारी करेंगे ताकि 70 to 80% मार्क्स लेके आ सकते हैं? और अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं है, तो किस प्रकार से आप इजीली पेपर निकाल सकते हैं? तो सभी चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए चलिए हम इस लोग लेक्चर देखते को हैं कि आप दस 10 दिन दिन में में कैसे तैयारी करेंगे और कैसे आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं और कैसे आप इजीली पेपर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको बताएंगे और उसके बाद साथ साथ आपको हम बताएंगे इसका लेक्चर आपको कहाँ से मिलेगा। सारी चीज़ आपको हम डिटेल में बताएंगे। देखिए, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो ऑनर्स पेपर होता है बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 में। हम लोग पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 में ग्रुप A में आपको पढ़ना है सेट थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है, या तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बल पढ़ सकते हैं या तो आप सेट थ्योरी पढ़ सकते हैं। यानी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आ रहा था, ट्रिग्नोमेट्री के बल सेट थ्योरी पढ़ के पास कर सकते हैं, या सेट थ्योरी नहीं समझ में आ रहा था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के पास कर सकते हैं। या आपको अगर आप दोनों पढ़ना चाहते हैं तो दोनों पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी कोई एक भी पढ़ेंगे तो आप उस ग्रुप से क्वेश्चन की जवाब दे पाएंगे, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपको कार्टीजन प्रोडक्ट और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट आपको पढ़ना है, सेट्स पढ़ना है। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो आपको हाइपरबोलिक्स एंड रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर, ये दो टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ना है, या ये दो टॉपिक सेट थोड़ी पढ़ना है। ये दोनों में से कोई एक एक टॉपिक्स भी दोनों कवर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे तो दोनों टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। अब बात रहेगी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट और काउंटेबल, ये तो आपका टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस से हम उठाए हैं, वीवीआई टॉपिक्स। लेकिन आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, वो तो यहाँ पे हम नहीं बता रहे। तो इसके लिए जो भी टॉपिक्स है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, जिस प्रकार से आपके अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस प्रकार का क्वेश्चन आपको हम ऑलरेडी सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अपलोड का उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये दोनों टॉपिक्स, ये चार टॉपिक्स, दो सेट थ्योरी का, दो ट्रिग्नोमेट्री का आप देख सकते हैं इजिली। लेकिन उसके लिए आपका एक शर्त, एक कंडीशन ये है कि आपको 89 रुपीज़ का मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। कितने का? 89 रुपीज़ का आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे आप तो इजीली, देखिए मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आप इजीली यहाँ से जो भी टॉपिक्स हैं जिसका वीडियो आप इजीली देख पाएंगे, इजीली आप आसानी से देख पाएंगे। जिस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसी में से क्वेश्चन आपको आएगा। अलग दूसरा आपको देखने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रुप बी में मैट्रिसेज एंड LPP पढ़ना है। यहाँ भी दो अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो हम आपको बोलेंगे यहाँ पे आप दोनों करके चलिए। क्यों दोनों करके चलिए? मे भी आपको अगर एक ग्रुप से दो क्वेश्चन की जवाब देना पड़े तो आप दे सकते हैं, तो काफ़ी आसान है। तो मैट्रिसेज की बात कर लेते थे, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। लास्ट में बताएंगे कि जिसका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है वो क्या क्या पढ़ेगा, उसको लास्ट में बताएंगे। अभी हम जो भी बता रहे हो 70 to 80% से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको हम बता रहे हैं। ओके, केवल 10 डेज में। उसके बाद LPP में आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ना है और सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना है, ये दो टॉपिक्स पढ़ना है, ये दो टॉपिक्स कवर करना है। और इसका सभी का वीडियो लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कम्युनिटी पोस्ट भी करेंगे, वो केवल मेंबरशिप वाले को ही दिखेगा। जितना वीडियो का लिंक रहेगा वो एक बार हम कम्युनिटी पोस्ट भी कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट करने से ये होगा कि बार बार आप उसका डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर वीडियो देखना पड़ेगा, और कम्युनिटी पोस्ट में रहेगा तो आपको जो भी सब्जेक्ट का देखना डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे आप वॉच कर लेंगे, देख लेंगे। ओके, चलिए उसके बाद ग्रुप सी में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लिए सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक्स है कार्डन्स मेथड और डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन। उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ये 3 टॉपिक्स आपको कवर करनी है। यानी पेपर 1 में आपको 3 ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। यानी सभी ग्रुप से आपको दो दो क्वेश्चन की जवाब देना पड़ेगा, दो दो क्वेश्चन की जवाब देना पड़ेगा। तब तो आपको ये दोनों करना है, मैट्रिसेज और LPP दो करना है। यहाँ से कोई एक करेंगे तो काम चलेगा आपका, अदरवाइज दोनों करना चाहे दोनों कीजिए। और यहाँ से इसमें से तो आराम से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ से पूछेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो अगर आप केवल सेट थ्योरी करते हैं या आपको हार्ड लगता है दोनों, तो इसमें से 1 क्वेश्चन कीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा। देखिए आपका जो एग्जाम में एटलीस्ट 1 क्वेश्चन सभी ग्रुप से सॉल्व करना होता है, बाकी आप किसी एक ग्रुप से देख सकते हैं या किसी भी ग्रुप से आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है ग्रुप A में। अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में ग्रुप A में अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है तो उसमें आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन तो
100% पढ़ना होगा। और जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है यानी आपको लेबनीज थ्योरम करना है, उसका थ्योरम आपको प्रूफ करने आना चाहिए, उसका नोमेरिकल बनाने आना चाहिए। अगर मेरा ये लेक्चर आप एक बार देखेंगे ना, दोबारा देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसा ही थ्योरम प्रूफ करना सीख जाएंगे एकदम ईजिली। हम आम लैंग्वेज में आपको थ्योरम प्रूफ करना सिखाए हैं, उसका नोमेरिकल बनाना सिखाएं, तो आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद अब आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको यूलर्स थ्योरम यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो यूलर्स थ्योरम है वो आपको प्रूफ करने आना चाहिए। दूसरा आपको उसमें उसका नोमेरिकल बनाने आना चाहिए। दोनों पूछता है, ए में अगर थ्योरम पूछेगा तो बी में उसका नोमेरिकल पूछेगा, तो दोनों पूछता है, आपको दोनों करना है। उसके बाद आपको एल हॉस्पिटल रूल करना है, उसके बाद आपको एजम्प्टोट्स करना है। अगर एल हॉस्पिटल रूल नहीं भी करते हैं तो एजम्प्टोट्स कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो इतनी टॉपिक्स आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है, इतनी टॉपिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा। देखिए इतनी टॉपिक्स है, यानी आपको एक दो तीन चार यानी चार टॉपिक्स यानी छः सात लेक्चर आठ लेक्चर आपको देखना होगा डिफरेंशियल कैलकुलस के, तब जाके सभी टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा, सभी टॉपिक्स कवर हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं, तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको डिफिनिट इंटीग्रल आपको पढ़ लेना है, उस पर रिडक्शन फार्मूला मोस्ट वांटेड टॉपिक्स है, इसको तो करना है नहीं हो। उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन आपको पढ़ना है। ओके, इतना आपको करना है। मेंबरशिप 89 का ज्वाइन क्यों करें, तो देखिए मेंबरशिप 89 का ज्वाइन करने का आपका बेनिफिट बताता हूँ सीधे सीधी। देखिए जो भी टॉपिक्स आपको हम बताए पेपर वन का, पेपर टू का बताने जा रहे हैं, तो पेपर टू में आप पे या पेपर वन में जो भी टॉपिक्स है आप कहीं पे यहाँ से टॉपिक कहीं पे सर्च करोगे, कहीं ना कहीं सर्च करके तो आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा होगा, यानी आप 10 दिन में अच्छे सभी टॉपिक्स आप कवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको इकट्ठा कलेक्ट करके सभी टॉपिक्स आपको दे दिया जाएगा, आप जितने घंटा पढ़ना चाहते हो पढ़ के आप उसको ख़त्म करो और अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी लेक्चर देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा 100% गारंटी होता है जो भी मेरा लेक्चर्स देखता है उसको 200% समझ में आता है, क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में आता है। मेरा स्टूडेंट का भी फीडबैक आप देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट किए हैं, हमारा जो भी स्टूडेंट का भी एग्जाम के टाइम फीडबैक होता है, उसका जो रिजल्टेन आता है किसी भी यूनिवर्सिटी से, पाटलिपुत्र हो गया, मगध हो गया, बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, LNU हो गया, बिरकवर्थ, पिछले आपका जो भी सीनियर होगा उसे पूछ सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है, टू दी पॉइंट आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, मतलब अगर आपको स्टेट देखना है तो स्टेट देखना, ना इधर देखना ना उधर देखना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना और सारी लेक्चर्स वीडियोस वन बाय वन सीरियल वाइज आपको पेपर वन से स्टार्ट करना है, ग्रुप पेसेस सेट थ्योरी टिग्नोमेट्री मैट्रिसेज LPP आपको इस प्रकार से थ्योरी एप्लीकेशन सब वन बाय वन आपको देखते चलने जाना है, ऑटोमेटिक आपका 10 दिन में कवर हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप सी में, ग्रुप सी में 2D ज्योमेट्री पढ़ना है। 2D ज्योमेट्री में देखिए आपको हाइपरबोला एलिप्स एंड पाराबोला का एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको प्रूफ करने आना चाहिए, ये आपसे एग्जाम में पूछता है, तीनों में से कोई एक पूछ लेगा, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पाराबोला एलिप्स, उसके बाद आपको जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री आपको पढ़ना है, बस ये दो टॉपिक्स कर लेना है, आपका काम हो जाता है, यहाँ पे आपका काम हो जाता है। उसके बाद ग्रुप डी में आपको 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। 3D ज्योमेट्री में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको उसका थ्योरम आपको प्रूफ करने आना चाहिए, उसका न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए, वो आपसे एग्जाम में पूछता है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तीन चार टाइप का इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने वाला क्वेश्चन आता है, वो आपको आना चाहिए, उसका भी लिंक वीडियो लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द कोनिक, ये अल्टरनेट ऑप्शन है, ये दोनों आप अगर आपको लगता है कि नहीं दो टॉपिक्स मेरा लगता है कि इससे नहीं हो पाएगा तो ये एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो आपका काम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल 10 दिन का आपके लिए प्लानिंग है, ये 10 दिन में सभी टॉपिक्स का आपको कवर करना है। देखिए आपको हम बताते हैं, ये दो टॉपिक्स है, चार टॉपिक्स है, मेरे ख्याल से ये हाफ डे में ख़त्म होना चाहिए, हाफ डे में एक लेक्चर आपको लग ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45 मिनट का मिलेगा, उससे कम 30 मिनट 35 मिनट 20 मिनट का लेक्चर्स रहता है, यानी हाफ डे में इसको ख़त्म करोगे, यानी हम कहेंगे कि आप ग्रुप ए या ग्रुप बी एक दिन में आपका ख़त्म होना चाहिए, दूसरे दिन में सी ख़त्म होना चाहिए प्रैक्टिस करके, उसके बाद दो दिन में सभी का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको पेपर टू एक दिन में पूरा खत्म हो, नहीं तो दो दिन में खत्म होना चाहिए, उसके बाद जो टाइम बचेगा तीसरे दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो दो तीन चार दिन टाइम बचेगा सभी को ओवरऑल को प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा, आप अच्छा मार्क्स लेके आओगे।
अब बात करते हैं जिसका कुछ भी नहीं तैयारी हुआ है वो कैसे पास कर रहे हैं। देखिए, जिसका कुछ भी तैयारी नहीं होता है तो उसको परसेंटेज का फिक्र नहीं होता है, उसको पास करने का फिक्र होता है। सर आप हमें बताओ कि हम पास कैसे करेंगे। ओके, तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ, नथिंग टू डिस्प्ले है, तो आप ध्यान से देखिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला काम LPP में हम रेड कलर से जो भी घेरने जा रहे हैं वो आपके लिए है। देखिए, आपका LPP और सिंप्लेक्स मेथड दो टॉपिक्स आपको कवर होना चाहिए, आपको बनाने आना चाहिए। देखिए, मैथमेटिक्स की दुनिया में आपको प्रैक्टिस जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में सेम डिजिट वाला क्वेश्चन पूछे। पैटर्न सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, लेकिन डिजिट चेंज रहेगा, इसलिए आपको बनाने आना चाहिए। तो ये दो टॉपिक्स आपको कवर कर लेनी है, उसके बाद इसमें से आपको ये दो टॉपिक्स ये कवर करनी है। चार टॉपिक्स हो गया, एक टॉपिक्स आपको रिलेशन बिटवीन ए एंड रूट्स आपको कवर करना है, कोएफिशिएंट। ये तीन टॉपिक्स कवर करना है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब यकीन मानिए एग्जाम ही नहीं निकलेगा बल्कि लगभग 50% के आसपास आपका मार्क्स आ जाएगा। तीन टॉपिक्स कवर करते हैं तो पेपर टू की बात कर लेते हैं। पेपर टू में आपको ये दो टॉपिक्स कवर करनी है, ये दो टॉपिक्स आपको कवर करनी है। उसके बाद माफ कीजिएगा, थोड़ा छठ पूजा का टाइम चल रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा आसपास में शोर हो रहा है, फिर भी आपके लिए वीडियो कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। ये दो टॉपिक्स आपको करना है, उसके बाद इसमें से एक रिडक्शन फार्मूला आपको करना है, और डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना, इसका आपको ये प्रूफ करने आना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला और इलिप्स, और इसमें से एक टॉपिक्स कर लेना है। बस एक टॉपिक्स, दो टॉपिक्स, तीन टॉपिक्स, आप चार पांच पांच टॉपिक्स इसमें से भी करना है, आपका पेपर टू इजीली आपको निकल जाएगा। क्या पेपर टू आपको इजीली निकल जाएगा? पेपर वन पेपर टू इजीली निकाल लेंगे, यानी आपका ऑनर्स पेपर बिल्कुल निकल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको भी सभी टॉपिक्स या लेक्चर्स देखने के लिए मेंबरशिप तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, तो सबसे पहले पास मार्क में सभी टॉपिक्स को कवर कीजिए। कवर करने के बाद फिर अच्छे मार्क्स की तरफ मूव कीजिए और सभी टॉपिक्स को कवर चालू करना चालू कीजिए। देखिए, पूरे साल आप क्या किए उस पर कोई मैटर नहीं करता, कोई नहीं मैटर करता। अब आपको जो 10 दिन 15 दिन आपके पास जो टाइम बचा है उसमें आप पढ़ लो, जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं वो टॉपिक्स आप कर लो। अब यकीन मारो एग्जाम में अच्छे मार्क्स एग्जाम रिजल्ट आपका आएगा, आगे अच्छे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। आपका रिजल्ट जो अब आएगा ना, तो आप बोलोगे हमको मैसेज कर करके, सर हमारा रिजल्ट 10 से 15 दिन में इतनी अच्छे आ गया, हमको मतलब बिलीव नहीं था, इनबिलीवेबल। इस प्रकार से बिहार यूनिवर्सिटी में लड़का लोगों के साथ यही हुआ। मेरे जब एग्जाम का टाइम आया तो मेरे पास कॉल आ रहा था कि सर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, हमारा डर लग रहा है पास कैसे करें। तो उनको हम बोले आपके पास 10 दिन 15 दिन टाइम है ना, आप 10 15 दिन मेरे लिए दो, आप 10 15 दिन पढ़ना चालू करो, जिस प्रकार से आपको हम बता रहे हैं उस प्रकार से पढ़ो, आपका एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। आप यकीन मानिए लड़का लोग 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आया पेपर वन में, पेपर टू उसका 2 तारीख एग्जाम होने वाला है, पेपर टू भी सॉल्व करके आएगा। तो आप भी अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में 10 से 15 दिन की तैयारी में 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आए, तो हम जो भी टॉपिक्स आपको बताएं वो टॉपिक्स कवर कीजिए। कवर करके आप आराम से बिंदास होकर एग्जाम देने जाइए, आपका अच्छे मार्क्स आ जाएगा। ओके, तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था, जो हमारे आपके लिए 10 दिन का जो हम प्लान करके रखे थे, 10 दिन के लिए आपका एग्जाम पैटर्न बना के रखे थे, वो आपके साथ शेयर करना था। आई होप अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाइए। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।